सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जिसकी भी एफिलेशन है वो इम्पोर्टेड हुकूमत के थ्रू एक खून आशाम शामे सहता है, यही बोल भी सह रहा है, बोल के चेयरमैन शुएब शेख साहब भी सह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ शुएब शेख साहब जो है ना बहुत बहादुर आदमी, खराज तहसीन पेश करता हूँ, और आपके इदारे का जो किरदार है ना ये तारीख में याद रखा जाएगा। मैं सिर्फ नब्जी नहीं कर रहा, बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं बोल अपने मुल्क के लिए और अपने अवाम के लिए। शेख साहब को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उसको गिरफ्तार किया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और इनकी कुर्बानी जो है ना मुल्क के लिए एक नेकबार साबित होगी, वो जो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो जल रहा होगा। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुसन है, एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसलत किए गए हैं इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा, सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चाल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है ये ज्यादातर नहीं है, मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है।